60 सदस्यों का महाधरना यानी कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। बिहार के यानी वार्ड सदस्य के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी की हालत बिगड़ी, धरना जारी। वार्ड सदस्यों की लगातार जुटान हो रही है, संख्या बढ़ रही है, मांग लेकर ही रहेंगे, लेकिन सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार के गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम बताते हैं गांव के पंचायतों से जुड़ी खबर, वार्ड सदस्यों से जुड़ी खबर। तो इन दिनों निकल कर आ रही है, आज की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है पटना से। पटना में लगातार जो है धरना वार्ड सदस्यों की अपनी मांगों को लेकर, नौसूत्री मांगों को लेकर जारी है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल, दो व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के नेतृत्व में यह महाधरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक और साथी वार्ड सदस्य के बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन उनकी लगातार स्थिति बिगड़ते जा रही है। अब सरकार पर खास गुस्सा दिखने लगा है, गुस्सा इस बात की है कि मांगों पर जहां विचार तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की लगातार हालत बिगड़ती जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। धरने के तीसरे दिन औपचारिकता के तौर पर कहा गया है वार्ड सदस्यों के द्वारा, वार्ड सदस्यों के प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल औपचारिकता, औपचारिक रूप से देखने के लिए कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, कुछ डॉक्टरों की टीम आई और देखा और चला गया, किसी को कुछ परवाह नहीं है। लेकिन सरकार, उनका कहना है कि सरकार भूल कर रही है, हम वार्ड से जुड़े हैं, हमारे साथ मतदाता है, अगर इस तरह से व्यवहार रही तो गांव की गलियों में भी सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगेगी। मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम मांगने आए हैं, देना और न देना आपका कार्य है। तो क्या बिहार में सरकार की यही स्थिति है कि कोई भी भूख हड़ताल पर बैठा रहे, कोई भी धरना प्रदर्शन पर बैठा रहे, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है देखने मात्र से नहीं, सभी वार्ड सदस्य के जनप्रतिनिधि जो हैं, नेता जो हैं, अब सरकार पर खासा नाराज हो गए हैं। आज अहले सुबह से मिली जो खबर है कि संख्या सुबह सुबह भी देखने के लिए मिला, वार्ड सदस्य जहां पटना में रुके हुए हैं, कई जगह पर रुके हुए हैं, धरना स्थल पर रुके हुए हैं, रात में वहां बिता रहे हैं, ठंड में या कपकपाती ठंड में अपना समय बिता रहे हैं, वहीं लोगों का आना जाना का, आने जाने का सिलसिला भी जारी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी का कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ा है तो इसको हम मांग को लेकर रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मान सम्मान की रक्षा की ये लड़ाई है, हम इसमें वार्ड सदस्यों को अपने मान सम्मान बचाना ही होगा। सरकार की ओर से भले ही अब तक कुछ भी पहल नहीं किया गया हो, आपको बता दें कि धरने के तीसरे दिन, भूख हड़ताल के तीसरे दिन जब हालत बिगड़ने लगी प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी की, तो खलबली मच गई, भाग दौड़ मच गई। अंतोगत्वा स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीम औपचारिकता निभाने धरना स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्हें देखकर संतना देकर कुछ दवा वगैरह देकर दवा वगैरह दे रही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दवा खाने से, पानी पीने से भी इनकार कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों का कहना है कि जब हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि धरना जारी रखिए, लेकिन कम से कम पानी वगैरह पीजिए और नहीं तो दवा तो जरूर लीजिए, तो उनका सीधा जवाब था चाहे जो भी कुछ हो जाए, हम अपने साथी वार्ड सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसमें जो कुछ भी हो जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष जब इतना निडर और इतना सहन शक्ति वाले हैं, तो अब तो ऐसा लगता है कि बिहार के वार्ड सदस्यों का मान सम्मान वापस होगा। इतना ही नहीं, अभी तक वार्ड सदस्य अपने आप को हतोत्साहित, टूटा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं सरकार के खिलाफ बातों को बोलकर, सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का वार्ड स्तर, पंचायत स्तर, गांव स्तर पर क्या हाल है खोल कर रख रहे हैं। यानी कि उन्होंने नाम दिया है पोल खोल अभियान भी, यानी कि सरकार के पोल खोल, जिंदाबाद के नारे वार्ड सदस्य जिंदाबाद,
और नीतीश सरकार मुर्दाबाद, तेजस्वी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब लगातार धरने जारी हैं, भूख हड़ताल जारी है, उनकी मांगों को विचार करने के लिए ना तो कोई शिष्टमंडल को बुलाया जा रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, लेकिन वार्ड सदस्य की हौसला को देखकर लग रहा है कि वे टूटने वाले नहीं है। सरकार को अंत में वार्ड सदस्य के प्रतिनिधिमंडल को बुलाना होगा, चाहे तो पदाधिकारी बैठ के बातें करें या फिर मंत्री जी करें। दूसरी बात मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे ही वार्ड सदस्य के खिलाफ में जाहिलपन का बयान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा दिया गया और उसके बाद उसको लिपापोती करने का काम किया गया, आज कहां गए जब वार्ड सदस्य पटना में 4 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। कम से कम उन्हें तो धरना स्थल पर नहीं जाते, वार्ड सदस्य के प्रतिनिधिमंडल की टीम को अपने दफ्तर में बुलाकर, अपने कार्यालय में बुलाकर बातें सुननी चाहिए थी और उस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए थी, या फिर अपने आप से हल करने की अगर उनमें क्षमता हो तो उनको हल करना चाहिए था। 9 सूत्री मांग है तो ऐसा थोड़ी होता है कि 9 सूत्री मांग रख दिए, जो मांगे सो मिल गया। वैसा कुछ जरूर मांग होगा जिसे आप पूरा कर सकते हैं। कुछ भी नहीं पूरा कर सकते हैं तो यह तो जरूर है कि जो संवैधानिक रूप से वार्ड सदस्य का पद बनाया गया है, उनका अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को तो आप दिला सकते हैं। आज वार्ड क्षेत्र में कोई काम किसी भी मत से होता है, वार्ड सदस्य बता रहे हैं कि हमें पूछा नहीं जाता है, जबकि नियमानुसार यह बता देते हैं संवैधानिक अधिकार है कि जिस वार्ड में अगर किसी भी क्षेत्र से किसी भी मत से अगर काम हो रहा है, चाहे सांसद निधि से हो रहा है, विधायक निधि से हो रहा है, मुखिया निधि से हो रहा है, जो भी निधि से हो रहा है, उसमें वार्ड सदस्यों की सहभागिता, सहमति, सहयोग जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो लोग जो हैं, वार्ड सदस्य जो हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने वार्ड सदस्यों का हौसला अफजाई कीजिए, धरना स्थल पर डटे रहिए, धरना स्थल पर पहुंचिए। अगर आप घर पर हैं, अब तक पटना नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचिए, सहयोग कीजिए, हर तरह के सहयोग कीजिए और आपके सहयोग के लिए हम साथ हैं। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए सहयोग में वार्ड सदस्य जिंदाबाद। सभी व्यक्ति जितना हो सके 2, 4, 6, 8, 10, 20 वार्ड सदस्य जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना लिखिएगा वह आपकी एक्टिविटी, आपकी सक्रियता सरकार देख पाएगी। तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में वार्ड सदस्य जिंदाबाद जरूर लिखिए, या फिर और कोई समस्या है तो जरूर लिखिए। देखिए कुछ वीडियो को कि सुबह सुबह ही किस प्रकार से लोग अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं वार्ड भाइयों, हम आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। गांव की सरकार के नेता को चोर बना रहे हो, चोर बना रहे हो, चोर बना रहे हो। मैं दावा करता हूं कि गांव की सरकार के जो नेता है, मुखिया है, वे चोर नहीं, चोर तो तुम हो, तुम्हारे सरकारी कर्मचारी चोर है। इसका उदाहरण मेरे पास है, लिखित उदाहरण मेरे पास है। अगर तुम में हो ईमानदारी है, तुम्हें थोड़ा भी आदमियत है, तो मुख्यमंत्री जी आप जांच करा लो। बिहार राज्य के कोने कोने में नल योजना का काम वार्ड सदस्यों द्वारा भी कराया गया है और पीएचडी के द्वारा भी कराया गया है। पीएचडी का एक पीएचडी के द्वारा बनाया गया नल। लेकिन मैं चाहता हूँ, अरे कहता है बिल्ली, बिल्ली जब बाजार में घूमते है ना तो चूहा देखते ही पेड़ पर भाग जाता है। इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने ऐसा ही बिल्ली और चूहा का खेल खिलाने का काम किया। लेकिन हम चूहा नहीं है, हम शेर है, शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा ही रहेंगे। आपको बार बार वार्निंग देते रहेंगे हर एक मोर्चा पे। आपने धरना और कखी दिखाने का काम किया, क्या इस धरना कखी से क्या हमारे बिहार में उन्नति आएंगे, क्या विकास हो पाएंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी कर्तव्य है और हमारे वार्ड सदस्य का जो भी कर्तव्य था उन्होंने किया, और इतना किया कि हर एक गली में, हर एक चौराहे पे, हर एक बुजुर्ग
बुजुर्ग को, हरे खंडा बहरा को रास्ता दिखाने का काम किया तो सिर्फ वार्ड सदस्य भाइयों ने किया। मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मत भूलिए, 24 आप बताए, 24 शायद वो 24 आपका विफल ही हो जाएगा, विफल ही करके रहेंगे हम लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाता, तब तक इस पटना के धरती पे आवाज 101,000 करोड़ संख्या में गूंजते रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो कान में ठेकी पहन लिया है, हम चाहते हैं हम वार्षिक पूरे बिहार का कि इस ठेकी को निकाल के बाहर फेंके। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी उद्देश्य है, क्या आपकी परंपराएं हैं, आप सब इस धरती पे मिटाने का काम कर दिए। कहते हैं खेला, अरे भाई खेला तो वो मेला में भी होता है, जो झूला में लटक के लोग झूलता है भाई, लेकिन यहाँ तो झूला, अरे झूला झूलने वाला